हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द सिटी सेंटर. इट वाज अ मेजर क्योस देयर. आई एम सॉरी अबाउट द माइक. माइक का वो प्लग अटैच नहीं हुआ था मेरा, सो सॉरी अबाउट द क्योस. सो फाइनली वी हैव द डे वन स्लॉट वन का आउटपुट इन फ्रंट ऑफ अस. एंड सीईटी हिस्टोरिकली IBPS विल नॉट चेंज द पेपर पैटर्न दैट मच. ठीक है, मोटा मोटा सेम रहेगा, थोड़ा बहुत 1921 का चेंजेस लाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर वॉज नो इनपुट आउटपुट इन स्लॉट वन, तो स्लॉट टू में शायद इनपुट आउटपुट आ जाएगा, अगले दिन कुछ और आ जाएगा. सो 5-10 नंबर ऊपर नहीं जाएगा, बट मोटा मोटा लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल नॉट चेंज. ठीक है, सो ओवरऑल पैटर्न जो देख के लग रहा है कि दिस इज कंपेरेटिवली मोर ईजी देन अवर एडवांस मॉक्स. यार हमारा एडवांस मॉक 1 to 10 है बिकम अ कल्ट. एवरीबडी हु इज गिविंग सीईटी, एवरी गुड स्टूडेंट्स इज गिविंग दोज मॉक्स. तो वो 10 मॉक देख के आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि वेर यू स्टैंड. उससे ईजी आ रहा है तो मतलब आप 10-15 नंबर ज़्यादा लेके चलो कि उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए. सो आफ्टर टॉकिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स, तो आई एम सेइंग कि कट ऑफ जेबी का विल बी अराउंड 140 डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 गोज. तो पैटर्न वही रहेगा अपना. तो अगर अपने एडवांस मॉक में अगर 120 पार हो रहा है तो वहाँ जाके आपका आराम से स्कोर आ सकता है. ठीक है, टॉपिक वाइज सबसे घटिया सेक्शन वॉज द लॉजिक सेक्शन, स्पेशली पजल्स. ठीक है, पजल वॉज वेरी वेरी लेंदी. सो पैरेलल सर्कल वाला, बॉक्स वाला एंड एज वाला कंपेरेटिवली वर मोर ईजियर. अगर स्लॉट वन वाले ने पहले उस पर टारगेट किया होगा तो एडवांटेज रहेगा. मैट्रिक्स एंड लीनियर है बिकम लेंदी. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन सीईटी 2017 कि उनने मैट्रिक्स वाले को आसान कर दिया, आसान वाले को टफ कर दिया एंड सर्कल टफ वाले को आसान कर दिया. एंड इफ यू अटेंडेड माई मैराथन वर्कशॉप्स, सो मैंने भी हैंड आउट वैसे तैयार किया था कि स्टार्टिंग का पजल्स सर्कल बिकम ईजी एंड मैट्रिक बिकम टफ टू मेक यू अनकम्फर्टेबल. वर्बल वॉज लेंदी, देर लॉट ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन देव इंट्रोड्यूस, आई टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम. क्वांट एंड डीए वर बोथ लेंदी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. एब्स्ट्रैक्ट वॉज डूएबल विद अ फ्यू सिटर, फ्यू क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी सिंपल. तो ऑब्वियसली पेपर ओवरऑल वॉज मच मोर ईजियर. फ्रंट फुट पे खेलो आराम से, बिंदास खेल के आओ. डी आई सेक्शन वॉज लेंदी, देर वॉज अ पाई चार्ट, रेशियो बेस्ड पाई चार्ट, न्यू काइंड ऑफ अ केसलेट विद लेवल 1, 2, 3 वॉज देयर. सैलरी बेस्ड टेबल, अगेन थोड़ा कैलकुलेशन टेंसिव. फिल द ब्लैंक्स टिपिकल एंड लाइन चार्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. सो दैट वॉज अ टिपिकल सेट. इन पजल्स लीनियर पजल देव नॉट गिवन द नंबर ऑफ पीपल, सो यू हैव टू गेस द नंबर ऑफ, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दिया था तो सबको एज्यूम करके टोटल लेके चलना पड़ेगा. फिल द ब्लैंक्स वॉज देयर, 10 क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन फिल द ब्लैंक्स. उनमें से 5 क्वेश्चन हमारा जो न्यू पेपर पैटर्न अपनी ब्लू बुक में है कि एक पैराग्राफ है, देर आर 3-4 वर्ड्स एंड उसमें एक ही वर्ड आएगा सब में. सो दैट इज टिपिकल IPS में जो आता था वो CET में वापस डाला कॉपी करके. तो ये आपको मैंने अपनी ब्लू बुक में क्वेश्चन है सारे. ठीक है, क्लोज टेस्ट वॉज नॉट देयर. तो क्लोज टेस्ट की जगह था गिवन अ पैराग्राफ, सेम वर्ड विच इज गोइंग टू कम एवरीवेयर. सो कैन सी इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ क्लोज टेस्ट. सो ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज नॉट दैट ग्रेट एज कम्पेयर टू द CET का मॉक्स. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज. बाहर आके सब बच्चों का बाहर आके अच्छे आ रहे थे, तो दैट इज दिस मीन पेपर इज ईजी. एंड सब आके तारीफ कर रहे, थैंक यू सर आपने बहुत हेल्प किया. क्यों? क्योंकि पेपर ईजी आ गया. यही पेपर टफ आता तो गाली भी कोई देते सब लोग. ठीक है, सो ओवरऑल लेवल इज ईजी देन अवर एडवांस मॉक. तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि हमारे मॉक से थोड़ा सा लेवल हाई, इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़ा सा लेवल हाई एज कम्पेयर टू द एडवांस मॉक्स. सो विच इज़ अ गुड साइन, गुड न्यूज़ फॉर अस. ठीक है, तो आराम से खेल के आओ, बिंदास खेल के आओ, कोई टेंशन नहीं है. सो स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इनपुट आउटपुट कमिंग बैक, कोई डिकोडिंग नहीं आया, ये नहीं आया. एंड ट्रस्ट में अच्छे बच्चे को पता नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. जो आ रहा है फ्रंट फुट पे खेलते जाओ. पजल इज टफ, आई रिकमेंड यू टू पजल, कीप पजल एज अ सेपरेट सेशन. जो मैंने क्लास में भी बात किया था कि वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, पजल्स एंड क्वांट, देर आर 5 सेशन फॉर मी. पांचों में मेरे को खेलना है. तो पजल अगर बहुत टफ आ गया तो आई विल बिकम करीब स्टूडेंट, करीब आदमी, ट्राई टू स्कैन द पेपर एंड डू इट अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, अमीर आदमी मतलब जो जिस ऑर्डर में आए खेलते जाओ. वर्बल अमीर आदमी की तरह लोगों ने खेला, तो जिधर जिधर जिस सेक्शन में यू हैव टू प्ले इन द वे यू कैन. अमीर आदमी मतलब स्कैन नहीं किया, जो जिस ऑर्डर में आए खेलो. पजल्स आई डोंट नीड टू स्कैन, सॉरी लॉजिक आई डोंट स्कैन, वर्बल आई डोंट स्कैन, एब्स्ट्रैक्ट आई डोंट स्कैन, जो जिस ऑर्डर में आए खेलते जाओ. बट पजल्स बिकॉज लेवल इज टफ आई स्कैन. ठीक है, क्वांट में अगर बहुत टफ तुम्हें लग रहा है तो स्कैन करो. सो क्वांट एंड पजल्स कंपेरेटिवली आर मोर डिफिकल्ट. वर्बल इज ईजी बट लेंदी पेपर एंड टिपिकल ट्रेडिशनल लॉजिक क्वेश्चन एंड योर एब्स्ट्रैक्ट इज द अदर ईजी सेक्शन. ठीक है, सो मोटा मोटा पेपर हुआ ईजी. तो दैट्स वो मेरे को शांति मिली. रात को मेरे को नींद नहीं आई यार, तुम्हारा साला पेपर, तुम्हारा नींद नहीं को नहीं. रात को रात भर मैं सोच रहा कि पेपर कैसा आएगा क्या नहीं आएगा. तो मोटा मोटा पेपर ही दिया. सो सक्सेसफुली वी हैव कम्प्लीटेड दिस ईयर एज अ दिस थिंग. सो आई वुड प्राउड टू से दैट वी आर नाउ नंबर 1 क्लासेस फॉर CET. वी हैव मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस फॉर वन प्रोग्राम और द अदर. एंड दिस ईयर CET वॉज गिवन बाई 1,11,000 पीपल.
सो 1,11,000 पीपल, ऑलमोस्ट 1,12,000 लोगों ने इस बार सीईटी दिया है. सो विच मीन्स 2,00,000 लोगों ने कैट दिया टू 2,40,000 एंड सीईटी इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट. ठीक है, तो दिस मीन सीईटी का कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हाई. सो लेट्स रॉक, ऑल द बेस्ट. सो कट ऑफ वाइज जेबी कट ऑफ मैंने ग्रुप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. जेबी सिडम सुमा गिवन द कट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, बट दिस कट ऑफ विल चेंज एज द स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4 का रिजल्ट बार आता जाएगा. सो आई कीप ऑन अपडेटिंग द रिजल्ट इन दिस लिंक बिलो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.